बढ़ जाएगी। ओ सूरज के निकलने तक कोई चारा न हो जाए, सूरज के निकलने तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का जब निर्माण होता है तो उसमें तीन चीजें विद्यमान होती है, राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के साथ में क्यों भी रिक्वेस्ट कर लो। हम भारतीय जनता पार्टी में तीन मुद्दों को लेकर के तीन महान उसूलों के साधना को करते करते हम इस राष्ट्र के सारक बन जाते हैं, हम भारत मां की आराधना में लग जाते हैं। मित्रों, जब हम राष्ट्र के महापुरुषों को इतिहास में जब बच्चों को शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो हिंदुस्तान की सियासत की राजनीति में वो जो लोग हैं जो छात्र अध्यक्ष होकर के हिंदुस्तान के जनमानस में हिंदू और मुस्लिम का भेद करके जो राजनीति के सिरों बनने का प्रयास करते हैं, उन महापुरुषों के इतिहास से जिन्होंने इस देश में अपने उज्जवल नेतृत्व के आधार पर राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम किया और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनको जब हम पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो कहा जाता है कि शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। हम शिक्षा का भगवाकरण करने के दोषी करार दे दिए जाते हैं। हम जब अन्य राष्ट्र की बात करते हैं तो हमें सांप्रदायिक प्यार दिया जाता है। हम सब कुछ सहन करने के बाद भी हिंदुस्तान की सियासी राजनीति में इस देश के नागरिकों का भला हो, इस देश में सुराज स्थापित हो, राम राज्य की जिस प्रकार से कल्पना की जाती है उस राम राज्य की कल्पना के देश का राज प्रशासन करना चाहते हैं। हम राजनीति में परिवर्तन चाहते हैं, हम डिफेंस की राजनीति करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के राजनीतिक दल एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक तरफ, पार्टी विद द डिफेंस, हम दोनों ही वैचारिक दृष्टि से और चार चरित्र और व्यवहार के आधार पर हम देश के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के विचार और सिद्धांत के आधार पर हम इस राष्ट्र में सेवा करना चाहते हैं।